करीब 6 दशक तक भारत की सुरक्षा करने वाले MiG-21 लड़ाकू विमान अब हटाए जा रहे हैं। शुक्रवार को श्रीनगर स्थित 51 स्क्वाड्रन को हटा दिया जाएगा। सोवियत मूल का ये लड़ाकू विमान 1965 से लेकर अब तक हुई हर जंग में शामिल रहा है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान भारत के एयर स्पेस में घुसा तो उसे MiG-21 से ही खदेड़ा गया। हालांकि देश के 200 पायलट इसकी धोखेबाजी के भी शिकार हो गए हैं। MiG-21 इतना बदनाम हुआ कि उसे उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। वायुसेना ने MiG-21 बाइसन की बाकी 3 स्क्वाड्रन को भी 2025 तक हटाने का प्लान बना रखा है। चलिए आपको बताते हैं MiG-21 की आखिर क्या है खासियत। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान मिग कई घातक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी रेंज 644 किलोमीटर के आसपास थी। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है जो विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार प्रदान करता है। MiG-21 बाइसन वही लड़ाकू विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि लगभग 60 साल पुराने लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 को मात खाना पड़ा। न तो अमेरिका को कबूल था और न ही पाकिस्तान को। आपको बता दें कि साल 1964 में MiG-12 लड़ाकू विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। शुरुआत में ये जेट रूस में बने हुए थे और फिर भारत ने इस विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर लिया, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 1967 से लाइसेंस के तहत MiG-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया था, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता ही रहा। 1964 में इस विमान को ऑपरेट कर रही भारतीय वायुसेना में इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए मीडिया ने इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत का नाम दे दिया। 1959 में बना MiG-21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाले पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसके स्पीड के कारण ही तत्कालीन सोवियत संघ के इस लड़ाकू विमान से अमेरिका भी डरता था। ये इकलौता ऐसा विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है। MiG-21 इस समय भी भारत समेत कई देशों की वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।